नगर से जहां पर अंबेडकर नगर में उफान पर घाघरा नदी तीन बैराजों से 7.5 लाख क्यूसेन पानी डिस्चार्ज किया गया है। खतरे के निशान के ऊपर घाघरा का जलस्तर। माझा क्षेत्र में कई एकड़ फसलें बर्बाद। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्बास खान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब्बास जी, अंबेडकर नगर में घाघरा नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ा है निश्चित तौर पर, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, क्या राहत वहां पर ग्रामीणों को पहुंचाई जा रही है अभी तक? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है बाहर से पानी छोड़ा जा रहा है, घाघरा नदी हो या कोई भी नदी हो, जिस तरीके से जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी को, जो किसान है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये समस्या खड़ी हो रही है कि उनके घरों तक जो है पानी पहुंच गया है। और अगर देखा जाए तो हर बारिश के सीजन में जो है प्रशासन इसकी व्यवस्था करता था, नाव की व्यवस्था करता था, राहत सामग्री की व्यवस्था करता था, लेकिन इस बार जो है न तो कोई नाव की व्यवस्था की गई है और ना ही राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों पे जो है हरी भरी फसल जो है धान की फसल सैकड़ों एकड़ जो है वो पानी में समा गई है और प्रशासन अभी तक जो है न तो उनकी हालचाल लेने पहुंचा है, न उनकी बातें सुनने के लिए पहुंचा है। हालांकि जो है हर उसमें जो है बाढ़ चौकियां बनाई जाती थी, बाढ़ आने के पहले जो है प्रशासन अलर्ट मूड में रहता था, लेकिन इस बार जो है प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ नजर आ रहा है। जी शबी अब्बास जी, जिस तरह से जलस्तर जो बढ़ा है, पानी को छोड़ा गया है, तो क्या यहां पर ग्रामीणों को पहले मुनादी कराई गई थी, क्या सूचना इसकी दी गई थी, या बिना बताए बिना मुनादी कराए ही जलस्तर को छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ प्रशासन ने, हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासन ने इसके पहले भी न तो कि वहाँ के किसानों को या वहाँ के रहने वालों को इस तरीके की सूचना दी गई कि जो है पानी छोड़ा जा रहा है, आप लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, अपने जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, इस तरीके के प्रशासन ने न तो बताया था पहले और ना अभी भी बताया है। अब जो है अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने की संभावना भी है, तो अगर जल स्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं जो है वहां के लोग, क्योंकि वो तराई एरिया है, आलापुर हो चाहे टांडा तहसील हो, ये सब जो है तराई एरिया माना जाता है, यहाँ जो है हर साल जो है हर वर्ष जो है बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव जो है समा जाते हैं, लेकिन इस बार जो है प्रशासन जो है सोया हुआ है, न तो किसानों के बारे में कुछ उसने अवगत कराया कि जो है बाढ़ आने वाली है, पानी छोड़ा जा रहा है, आप लोग सुरक्षित जगह जाएं, तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई दे रही है। क्या क्या शबी अब्बास जी, क्या वहां के डीएम या स्थानीय जो कर्मचारी हैं, क्या उन्होंने घटना स्थल या मौका स्थल का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया है, क्या कुछ राहत शिविर वहां पर बनाए गए हैं वैकल्पिक तौर पर? जी, अभी तक प्रशासन, हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहा है, ना तो प्रशासन अभी तक वहाँ कोई आलातकारी पहुंचा है और ना वहाँ के जो है चाहे वो थाना इंचार्ज हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, ये सब उस बाढ़ एरिए की तरफ जो है अभी तक ये लोग गए नहीं है। अब देखना ये होगा कि अगर प्रशासन अभी भी नहीं जागा तो हो सकता है कि बहुत से गांव, बहुत से लोग जो है इस पानी में फंस सकते हैं, क्योंकि जो प्रशासन हर साल जो है उनको नाव की व्यवस्था कराता था, राहत सामग्री की और मेडिकल कैंप भी लगवाता था, उनको जो है उचित ऊंचे स्थान पर जो है उनको रखा जाता था, लेकिन इस बार जो है देखने को नहीं मिल रहा है। जी सभी, क्या स्थानीय जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, क्या वह शिकायत करेंगे आला अधिकारियों की, मंत्रियों से या सीएम से, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां के डीएम के द्वारा या आला अधिकारियों के द्वारा वहां पे औचक निरीक्षण नहीं किया गया है, ना ही कोई राहत सामग्री पहुंचाई गई, ना ही राहत शिविरों का आयोजन किया गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, तो इस तरह की क्या भी प्रतिक्रिया वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा देखने को मिल रही है क्या?
जी हम आपको बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आलापुर क्षेत्र है वहां से समाजवादी के विधायक हैं, वो जो है लगातार, क्योंकि वो उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, वो लगातार जो है दौड़ा कर रहे हैं, लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए कह रहे हैं। वही जो है कांडा तहसील में वहां भी समाजवादी के ही विधायक हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर विधायक के कहने से वहां की जनता अगर वो सुरक्षित स्थान जा रही तो प्रशासन अभी तक क्या कर रहा है कि ये काम जो है प्रशासन का है, प्रशासन हर सुविधा जो है उनको मुहैया कराता था, लेकिन इस बार जो है प्रशासन पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहा है। धन्यवाद शवि अब्बास जी, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो ये थे हमारे संवाददाता शवि अब्बास, जो कि अंबेडकर से पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे।